नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई एक और खुशखबरी। इस दिन कर्मचारियों को मिलेगा 1/7/18 महीने का भत्ता। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कब डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। कर्मचारियों को अब जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता नहीं मिला। 18 माह का डीए बकाया है। डीए की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों का संघ लगातार बकाया को लेकर मांग कर रहा है। दोस्तों, महंगाई भत्ते में इजाफा करने के बाद पेंशनरों ने भी अपने डीआर एरियर को लेकर भी पीएम मोदी को गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक इस विषय में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अब फिर से उम्मीद नज़र आ रही है डेढ़ साल के डीए एरियर को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। यूनियन का मानना है कि सरकार बातचीत से समझौता करना चाहती है। दोस्तों, केंद्र के कर्मचारी अभी भी मांग पर अड़े हैं और सरकार से बातचीत जारी है। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अगर महंगाई भत्ते का बकाया मिल जाता है तो यह बड़ी रकम होने वाली है। JCM के राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 1 कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से बढ़कर 37,554 रुपये किया गया है, जबकि लेवल 13 के कर्मचारियों का 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये और लेवल 14 की गणना की जाए तो कर्मचारियों के खाते में डीए का बकाया रुपया 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये के बीच में भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, न्यूनतम ग्रेड पे 18,000 रुपये पर अगर कर्मचारियों का निकाला जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 4,320 रुपये महंगाई भत्ते का इंतजार है, जबकि 56,900 वालों का अगर निकाला जाता है तो 13,656 रुपये की उम्मीद है। सातवें वेतन आयोग डीए एरियर के तहत केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम ग्रेड पे पर जुलाई से दिसंबर 2020 तक 3,240 रुपये का महंगाई भत्ता बकाया मिलता है। हाँ, और 56,900 वालों का अगर देखें तो 10,242 रुपये हुए। वही अगर आप जनवरी और जुलाई 2021 के बीच का डी एरियर की गणना पर देखते हैं तो 18,000 वालों का हुआ 4,320 रुपये और वही 56,900 वालों का हुआ 13,656 रुपये। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को पे मैट्रिक्स के अनुरूप न्यूनतम आय 18,000 रुपये है तो उन्हें 11,880 रुपये का महंगाई भत्ता एरियर पहले 6 मई का हुआ 4,320, फिर 6 मई का 3,240 और फिर दोबारा फिर 6 मई का हुआ 4,320, तो टोटल हुआ 11,880 रुपये। वर्ष 2021 में 11 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारी भत्ते को 1/7 11% बढ़ाया गया। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया। महामारी के कारण जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 का डीए एरियर फ्रीज हो गया। यह सरकार के माध्यम से घोषित किया गया था कि पिछले साल प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन डीए बकाया पर चर्चा नहीं हुई। यदि अब 18 माह के एरियर पर कोई निर्णय आता है तो उन्हें 11% का एक मुफ्त महंगाई भत्ता एरियर मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।